तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक न्यू ड्रामा को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। इस ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सूजी को, जो कि जा रही होती है, उनके उसके पीछे कुछ गार्ड्स होते हैं। तो उन गार्ड्स से कहते हैं कि तुम लोग मेरा पीछा बंद करो। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि आज मेरी नहीं बल्कि यी नैन की शादी है, तुम लोग उसके पास जाओ। एक एक को जाने लगती है। तभी उसके पास उसके डैड आ जाते हैं। डैड कहते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहती है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं जियाओ इन टैंग से शादी करूँ। मैं उस ओल्ड मैन से शादी तो नहीं कर सकती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि हमारे ऊपर 200 मिलियन का कर्जा है, तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। वो कहती है कि लेकिन यून तैंग ने तो कहा है कि वो यीनैन से शादी करना चाहता है, तो मैं भला उससे क्यों शादी करूँ। ये सुन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बहन का एक बॉयफ्रेंड है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुन को कहती कि नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकती। ये सुन के यीनैन कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली में शादी हो रही है। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी मैं तो शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुन को उसके डैड तो उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। डैड उसके पीछे गार्ड्स को भेज देते हैं उसे पकड़ने के लिए, और वो भागते हुए जल्दी से कार में जाके बैठ जाती है। वहाँ पर होता है यून तैंग। यून तैंग को देखो कहती है कि जल्दी से कार चलाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होंगी। ये सुन के जो ड्राइवर होता है वो तो कहता है कि क्या तुम हमारे बॉस को प्रोवोक कर रही हो। ये सुन के यून तैंग कहता है कि जल्दी से कार चलाओ। और वो लोग कुछ देर तक आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ दूर आने के बाद जो सूजी होती है ना, वो कहती है कि मेरी फैमिली जो है मुझे फोर्सफुली शादी कराना चाहते हैं, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग गई हूँ। तो ये सुन के यून तैंग कहता है क्या तुम सू फैमिली की बेटी हो। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम जियाओ फैमिली से हो। अगर हो तो मेरे ड्रेस को तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि तुम वेडिंग में आ रहे हो, तुम एक अच्छा आदमी भी लगते हो, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे। ये सुन के वो कहता है कि उनका इतना बड़ा बिजनेस है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम क्या है। ये सुन के वो कहती है कि मैं बस अभी 22 की हूँ, और वो बुढ़ा जो कि अब मरने वाला होगा, मैं उससे भला क्यों शादी करूँ। ये सुन के ड्राइवर तो खांसने लगता है। तो वो कहने लगता है कि तुम खास क्यों रहे हो, जल्दी से कार चलाओ। और वो कार चलाने जाता है, लेकिन तभी से वहाँ पर जो है गार्ड्स आ जाते हैं उसके डैड के भेजे गए, और उसके डैड के भेजे गए गार्ड जो है उसे ले जाने के लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो। लेकिन वो गार्ड्स उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा अब जो एक ऑलरेडी एक हस्बैंड है, तो मैं नहीं जा सकती। और यून तैंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, और उसके हाथ के पकड़ लेती है। लेकिन यून तैंग उसके हाथ को छुड़ाने लगता है। वो कहती है कि हैंडसम मैन, तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो। लेकिन वहाँ पर यून तैंग उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वहाँ पर उस वो उन गार्ड से कहता है कि तुम इसे लेके जिया हाउस चले जाओ। जिसके बाद तो उसका ड्राइवर पूछता है कि बॉस, जब उनको पता चलेगा कि आप उनके हस्बैंड हो तब क्या होगा। ये सुन के यून तैंग कहता है कि मैं भी तेरा क्यूरियस हूँ, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सुन के ड्राइवर कहता है कि आप उनको पहले से जानते हो। जिस पर यून तैंग कहता है कि हाँ, उसने पर मेरी जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन से, जहाँ पर जब यून तैंग एक दिन जख्मी हुआ रोड पर परवाह होता है, तब वहाँ पर जो सूजी थी ना वो आती है और आके उसे कह लेती तुम ठीक तो हो ना। और वहाँ पर वो एम्बुलेंस को कॉल करके उसकी मदद करती है, और वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। ये सुन के ड्राइवर कहता है कि तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो उन्होंने आपके जान को बचाया था। ये सुन के वो कहता है कि मैंने पता लगाया था, लेकिन मुझे जल्दी एयरपोर्ट जाना पड़ा काम की वजह से। तो मैंने बाद में मैनेजर ली से बात करके उसके फादर की हेल्प की, और उसके फादर ने मेरे से बहुत ही सारा पैसा लिया। ये सुन के ड्राइवर कहता है कि तो इस वजह से जो है उन्होंने आपकी शादी उनकी बेटी से करवाना चाहा, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे इस वजह से। यून तैंग कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी, तो मैं शादी करके उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्राइवर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो आपसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर वो कहता है कि फीलिंग्स को डेवलप होने में टाइम लगती है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से घर चलो, क्योंकि मुझे उसे सरप्राइज़ देना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सूजी को, जो कि जो है बैठी होती है, और उसके हाथ और जो है आँख बंधे हुए होते हैं। तो वो सोचती है कि ये सब कुछ ज़रूर यी नैन ने किया होगा, ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। और तभी उसे जो गर्मी फील होने लगती है, तो वो कहती कि जरूर उसने पानी की जगह मुझे कुछ और ही पिला दिया था। और कहती है कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पर आ जाता है यून तैंग, और यून तैंग कहता है कि क्या तुम दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। ये आवाज़ सुन वो कहते हैं कि तुम तो जो है ओल्ड मैन होना चाहते, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम एक यंग मैन हो। तुम मुझे जाने दो, वरना मेरा बॉयफ्रेंड है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटेगा। ये सुन के वो कहता है कि मैं तो डर गया। ये सुन के वो कहती है कि तुम डर गए ना, अब तो मुझे जाने दो। वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। और वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम ओल्ड मैन हो। ये सुन के वो कहता है कि मैं और भी ज़्यादा बेशरम हो सकता हूँ, और उसे जो है बेड पर लेटा के उसे छूने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा सर इतना ज़्यादा गर्म क्यों है। वो कहती है कि तुम मुझे मत छुओ मत छुओ। लेकिन वो उसके हाथ को खुलते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी वैसी ड्रिंक किसने पिला दी। और वहाँ पर वो तो उसके जो है
हाथ को पकड़ के कहती है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तुम ऐसे ही मुझे छूते रहो। लेकिन वो कहता है कि तुम चुप रहो। वो कहती है कि तुम्हारे जो बॉडी कितना ज़्यादा अच्छा है, तुम इसे छूने क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि तुम ना आँख से खेल रही हो, याद रखना। और उसे जो वहाँ पर उसके आँख को खोल के उसे किस कहने लगता है, जिसके बाद हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जब वहाँ पर सूजी की जब आँख खुलती है ना, तो वो उसके साथ लेटी हुई होती है युनतंग के साथ। तो वो उठ के जाने लगती है, तभी युनतंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रात गुजर के अब कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म नहीं चाहिए कि तुमने मेरे एडवांटेज उठाया, और तुम्हारी शादी इनन से होनी थी, मेरे साथ नहीं। मैं सूजी हूँ, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना। वो ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद वो कॉल करता है मैनेजर ली को और कहता है कि जल्दी से पता लगाओ इनन और सूजी के बारे में। कुछ देर बाद मैनेजर ली उसके घर आके कहता है कि आपकी शादी जो है सूजी से हुई है, इनन से नहीं, क्योंकि इनन आपसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर वो कहता है कि जल्दी से फैमिली चलो। जिसके बाद हम देखते हैं, हम सूजी को देखते हैं जो कि अपने घर आती है। उसे देख इनन कहते हैं कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो। तो वो ये सुनकर उसे चाटा मारती है, तभी उसके डैड आते हैं और सूजी को ही उल्टा मारते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन को क्यों मार रही हो, जल्दी से माफ़ी मांगो। तो वो कहते हैं कि मैं वाला माफ़ी क्यों मांगू, इसने बताया कि आप क्या क्या है। तो उसके डैड कहते हैं क्या क्या है, तो कहते हैं कि इसने मुझे ड्रंक किया था उस दिन। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये तो अच्छी बात ही है ना, तुम्हारी शादी इतनी बड़ी रिच फैमिली में हो रही थी और तुम उससे भागने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप मेरे सचमुच के डैड हो या फिर नहीं। ये सुनकर वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ तो मैं भला तुम्हारे लिए इतने सब क्यों करूँगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी में इतनी अच्छी रिच फैमिली में क्यों कराऊँगा। ये सुनकर वो कहती है कि तो फिर आपने बचपन से इसे ही क्यों फेवर किया है। ये सुनकर इन्हें कहती है कि क्योंकि मैं डैड के रियल वाइफ की बेटी हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे मॉम को चीट किया है। ये सुनकर उसके डैड उसे मारने ही लगते, तभी वहाँ पर इन तंग आ जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे कि आप मेरे वोमैन को टच करें। ये सुन के उसकी डैड कहते हैं कि बताओ ये आउटसाइडर कौन है। ये सुन के वो कहती है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है। ये सुन के उसकी बहन इनन कहती है कि इसका मतलब तुम इसकी वजह से जो शादी नहीं करना चाहते थे, तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो। उसके डैड भी कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा बेशरम हो सकती हो, मुझे पता भी नहीं था। तो वो कहती है कि इसका मतलब तो इनन भी बेशरम हुई क्योंकि इसके पास भी तो एक बॉयफ्रेंड है ना। तो ये सुन के वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और ये सुन के वो उसे चाटा मारती है, तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अपने बहन से माफ़ी मांगो। तो वो कहती है कि नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। ये सुन के उसके डैड फिर से उसे मारने लगते हैं, तभी युनतंग उसके डैड के हाथ को मरोड़ देता है और कहता है कि लगता है कि आप जो है अपने हाथ को नहीं चाहते हो। और सूजी कहती है कि जियाओ युनतंग छोड़ो, ये आखिरकार मेरे डैडी है ना। और ये सुन के इन्हें कहती कि तुमने क्या कहा, ये जियाओ युनतंग है। तो वो कहती कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है जिनसे तुम लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि जियाओ युनतंग एक ओल्ड मैन है। ये सुन के वो कहता है कि अंकल मेरे बारे में ना कुछ, सुन के युनतंग कहता है कि अंकल मेरे बारे में ना कुछ रूमर्स फैले हुए थे ऐसे वैसे, तो आप लोग क्या अब मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ब्राइड्स क्यों चेंज की। ये सुन के जो यूनियन है ना वो तो बहाना देने लगती है, लेकिन तभी सूजी कह देती है कि इन लोगों को लगता था कि तुम एक ओल्ड मैन हो जिस वजह से इन लोगों ने ये सब कुछ किया। ये सुन के युनतंग कहता है कि देखो तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये सुन के यूनियन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो युनतंग कहता है कि सूजी चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो सूजी कहती है कि ये लोगों को मैं मेरे लगेज ले लेती हूँ, और वो इनन को धक्का देते हुए कहते कि हटो तुम यहाँ से। तो इनन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को अभी बताऊँगी सब कुछ, तो फिर वो तुम लोगों को आके मजा चकाएगा। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है, तो उसका बॉयफ्रेंड आते ही उन लोगों को ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी मैनेजर लिया के कहता है कि तुम जिनके ऊपर चिल्ला रहे हो ना वो हमारे ऑफिस के प्रेसिडेंट मिस्टर जियाओ है। ये सुन के तो उसका बॉयफ्रेंड तो ऊपर माफ़ी मांगने लगता है। और फिर हम देखते हैं युनतंग सूजी को लेकर बाहर आ जाता है, और वहाँ पर सूजी मैनेजर ली को देखती है, तो वो कहती है कि तुम जाके इससे बात कर लो, लगता है बात करना चाहता है ये। ये सुन के युनतंग भी मान जाते हैं और उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। और वो चला जाता है मैनेजर ली से बात करने के लिए, तभी सूजी भी वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर ली युनतंग से कहता है कि एक साल पहले आपको इन्हें नहीं बल्कि सूजी ने बचाया है और उससे आपकी शादी हो चुकी है। ये सुन के युनतंग तो शौक रहता है, जिसके बाद वो जब देखता है सूजी की तरफ तो सूजी तो अगर होती नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सूजी जाती है अपने फ्रेंड के पास, वहाँ पर जाके वो उसके फ्रेंड से सब कुछ कहती है कि उसके डैड फोर्सफुली उसकी शादी एक ओल्ड मैन से कराना चाहते थे, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि वो ओल्ड मैन नहीं बल्कि एक यंग मैन है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तो अच्छी बात है ना,
लेकिन यहाँ पर सूजी उसके फ्रेंड से कहती है कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है अपनी कंपनी में, और वहाँ पर जाके उसकी फ्रेंड उसे कंपनी में जॉब भी दिला देती है। उसके बाद उसकी फ्रेंड एक पर्सन को देख कहती है कि देखो तो कितना ज़्यादा हैंडसम गाय है, और वो भी जब देखते तो वो और कोई नहीं बल्कि यून तेंग और वहाँ पर उसका सेक्रेटरी ली होता है। ये देख के वो सोचने लगती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो छुपने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं यून तेंग को भी पता चल गया था कि सूजी इस कंपनी में ही काम करती है, तो वो भी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम अभी इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑफिस का मैनेजर था ना, वो सूजी और जो है उसकी फ्रेंड को बुलाता है। दोनों जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर कंपनी का मैनेजर उन लोगों को एक क्लाइंट से मिलवाता है, और वो क्लाइंट सूजी को देख उसे पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि जो मैं जो इसके साथ रात बिताना चाहता हूँ, जिस पर मैनेजर भी मान जाता है लेकिन सूजी नहीं मानती। और सूजी की फ्रेंड सूजी को लेकर उसे जाने लगती है, तभी पीछे से वही क्लाइंट आके सूजी के फ्रेंड को वहीं पर ही बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो क्लाइंट जो है सूजी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे हरास करने लगते हैं। तभी एंड वक्त पर वहाँ पर आ जाता है यून तेंग, और यून तेंग आके उस क्लाइंट को रोकता है, और वो क्लाइंट कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी वाइफ है। ये सुन के वो क्लाइंट और मैनेजर तो कहने लगता है कि तुम हमें जो है बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम मजाक मत करो, तुम भला कैसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो सकते हो। तभी वहाँ पर आ जाता है मैनेजर ली को देख जो यून तेंग होता है ना, वो कहता है कि मैनेजर ली अब तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। जिस पर मैनेजर ली तो कहता है कि ये प्रेसिडेंट के जो है फ्रेंड है, और ये चाहे तो तुम लोग अभी फायर कर सकते हैं, तो तुम लोग इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। जिस पे वो दोनों तो माफ़ी भी मांग लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैनेजर ली उसे तो वहाँ से जाने के लिए कहते थे, लेकिन बाद में मैनेजर ली उसी क्लाइंट को जो है क्लाइंट को पॉइंट करते हुए कहते हैं कि मैम मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ कि आप इसके साथ कैसे डील करेंगे। इसे सुन यून तेंग कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसके पैर को तोड़ दिया जाए। ये सुन वो क्लाइंट तो उस वहाँ पर माफ़ी मांगने लगते हैं कि कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था ये सब कि ये आपकी वाइफ है। तो वहाँ पर वो उसके बात को नहीं मानता, तभी वहाँ पर गाड़ा के उसे ले जाने लगते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है।